नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। सेंट्रल जेल लुधियाना में अक्सर लड़ाई होना, मोबाइल मिलना व नशीले पदार्थ सप्लाई होना जैसे समाचार अक्सर लोगों को सुनने और पढ़ने को मिलते रहे हैं। अब लुधियाना जेल का माहौल बदलने लगा है। जेल में अब अपराधी नहीं, खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। इन खिलाड़ियों का प्रशिक्षण बेहतरीन कोच दे रहे हैं। जो कबड्डी के खिलाड़ी किसी न किसी मामले में जेल में बंद हैं, वह बाकी के कैदियों को कबड्डी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं कैदियों को नशे से दूर रहने के लिए जेल प्रशासन प्रेरित कर रहा है। खेलों में भाग लेने के कारण अब जेल में बंद बंदियों को शारीरिक रूप से फिट रखने और खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। बंदियों में खेल की भावना जागरूक की जा रही है। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और कैरम बोर्ड प्रतियोगिताओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब जेल के मैदान में भी कबड्डी की आवाजें सुनाई देंगी और बंदी इसका पूर्ण लाभ ले रहे हैं। इसी तरह की खेलों से न केवल बंदियों को स्वस्थ रखा जाएगा, वहीं उनकी ऊर्जा का उपयोग करने और उन्हें गतिविधियों में शामिल होने पर बल दिया जाएगा। लुधियाना सेंट्रल जेल ने जेल के कैदियों के लिए रोजाना शाम को वॉलीबॉल और कबड्डी मैच शुरू किया है। लुधियाना सेंट्रल जेल के न्यू बैरक, KU वार्ड और सेंट्रल हाटा समेत तीन वार्डों में तीन अलग अलग कबड्डी मैदान तैयार किए गए हैं, जबकि सभी बैरक में वॉलीबॉल नेट लगाए गए हैं। साथ ही सभी कैदियों के लिए मॉर्निंग फिजिकल ट्रेनिंग PT भी शुरू कर दी गई है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।